रोनाल्डो ने मेसी को जादूगर खिलाड़ी करार दे दिया। पुर्तगाल से ताल्लुक रखने वाले स्टार फुटबॉल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने खेल के मैदान में तवील अरसे तक अपने हरीफ रहने वाले अर्जेंटाइन के लियोनल मेसी के हवाले से पहली मर्तबा खुलकर बात की है। फुटबॉल की दुनिया के दो अजीम खिलाड़ियों के दरमियान बेहतर खिलाड़ी की जंग कई सालों से जारी है। इस जंग का आगाज उस वक्त हुआ जब मेसी ने बार्सिलोना और रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से लीग फुटबॉल खेलने का आगाज किया और फिर 2009 में ये जंग उस वक्त अरूज पर पहुंची जब रोनाल्डो ने स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड से अपना ताल्लुक जोड़ लिया। दोनों ही फुटबॉलर्स ने आलमी सतह पर फुटबॉल के नए स्टैंडर्ड सेट किए और दोनों ने अपनी टीमों के लिए कई इंफरादी तौर पर कई ट्रॉफियां जीती। हाल ही में रोनाल्डो उस वक्त तवज्जो का मरकज बने जब एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपने मौजूदा क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनेजर एरिक टेन हैग को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इसके अलावा उन्होंने अपने साबिक साथी खिलाड़ियों गैरी न्यूविल और वेन रोनी को भी खुद को तनकीद का निशाना बनाने पर आड़े हाथों लिया। ताहम इंटरव्यू की खास बात यह रही कि उन्होंने तवील अरसे से अपने मुखालिफ खेलने वाले लियोनल मेसी की तारीफ करते हुए उन्हें एक जादूगर खिलाड़ी करार दिया और कहा कि हम 16 साल से एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं, गुमान करें 16 साल, इसलिए हमारा आपस में गहरा ताल्लुक है। हम आपस में उस तरह दोस्त नहीं कि एक दूसरे के घर पर रहते हों या फ़ोन पर बात करते हों, लेकिन ये ताल्लुक टीम के एक साथी की तरह का है। रोनाल्डो ने मजीद कहा कि मेसी एक ऐसी शख्सियत है जिसकी मैं दिल से इज्जत करता हूँ, यहाँ तक कि उसकी अहलिया और मेरी गर्लफ्रेंड विजो अर्जेंटाइन से हैं, उनकी भी इज्जत करता हूँ। मेसी से मुतल्लिक कहना चाहता हूँ कि एक अजीम शख्स जिसने फुटबॉल के लिए बहुत कुछ किया है।